हाय फ्रेंड्स, मैं पवननाथ योगी आज आपको सुपर एस मिंट के बारे में बताऊंगा। ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसकी टाइमिंग है या कुछ और है ये देखेंगे हम आज। चलते चलते ये बंद हो गया था झटका खा के। सबसे पहले इसके सीट वगैरह सारे हटाएंगे। ये लेफ्ट साइड की सीट, यहाँ पे चार बोल्ट आते हैं इसके, ये खोलेंगे। जी, इसका सीट भी खोल लिया है लेफ्ट साइड का। अब ये कवर उतारेंगे। पहले प्लास्टिक का कवर उतारना पड़ेगा, इसके स्क्रू आते हैं इधर और इधर। ये प्लास्टिक का कवर भी खोल दिया है। अब इस कवर के 10 mm के बोल्ट आएंगे, ये भी खोल दूंगा मैं। कवर के सारे बोल्ट खोल दिए हैं। अब इंजन की पोजीशन ये उतारते हैं, हमें पता चल जाएगी। सीट ऊंचा करके आराम से निक। सो फ्रेंड्स, मुझे पता चल गया है इसमें क्या कमी है। फ्रेंड्स, इसकी टाइमिंग बेल्ट टूट चुकी है। ये टाइमिंग कवर है, इसके अंदर आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बेल्ट के रेसे हैं, ये बाहर आ गए हैं। अब इसे खोलने के लिए देखिए, पहले हम ये पाइप वगैरह, EGR सिस्टम की पाइप है, एक लीटर की पाइप है, ये सारे खोल के फिर टाइमिंग कवर खोलेंगे, बाद में देखेंगे इसकी टाइमिंग। ये इसके अंदर CRD इंजन है। देखिए फ्रेंड्स, टाइमिंग कवर हमने खोल दिया है, उसकी बेल्ट टूट गई है। ये बेल्ट का डस्ट चिपक रखा है सारी तरफ। ये बेल्ट की ऐसी हालत हो गई है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या नुकसान हुआ है इसमें। ये टैपेट कवर खोलेंगे हम। नोजल की वायरिंग वगैरह सब निकाल लिया है। ये रिटर्न फ्यूल के लिए पाइप लगती है, ये भी निकाल दिया है। अब टैपेट कवर खोलने के लिए सबसे पहले हमें इंजेक्टर बाहर निकालने पड़ेंगे। 12 mm के बोल्ट आते हैं। सारे इंजेक्टर होंगे, 12 नंबर बोल्ट खोल दें। इंजेक्टर बाहर निकालने से पहले रेल के ऊपर, इंजेक्टर बाहर निकालने से पहले रेल के ऊपर से पहले पाइप खोल दें। सो फ्रेंड्स, मैं इतनी डिटेल में आपको चीज़ बताता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो और लाइक के बटन को भी दबा दिया करो फ्रेंड्स। ये नोजल इसके अंदर जाम है, निकल नहीं रहे हैं। इसके लिए दूसरी ट्रिक अपनाई है हमने। ये स्लॉट आते हैं इंजेक्टर के ऊपर, इस बोल्ट को खोल के इसको पीछे सरका दें, फिर इंजेक्टर के अंदर ही रह जाएंगे और टैपेट कवर बाहर आ जाएगा। सिलेंडर हेड के अंदर कार्बन जम के जाम हो जाते हैं। उसके चारों इंजेक्टर की पाइपें खोल देंगे जो रेल से आती हैं ऊपर से, उसके बाद टैपेट कवर बाहर निकाल लेंगे। टैपेट कवर के सारे बोल्ट हमने 10 mm के खोल दिए हैं, 15 बोल्ट आते हैं इसके। अब टैपेट कवर हम बाहर निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसकी सारी रॉकेट जो चीड़ियाँ होती है टैपेट की, सारी टूट गई है। अब कैम बाहर निकाल के हम इनको बाहर निकालेंगे। आउटलेट वाली कैम बाहर निकालेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, टाइमिंग बेल्ट टूटने से इतना नुकसान हो गया। सारी की सारी 16 रोकल चीड़ी आती है वो टूट चुकी है। अब ये सारी नई डाल के हम इसे रिपेयर करेंगे। मेरा वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक का बटन भी दबा दो। देखिए फ्रेंड्स, ये रोकर चीरी है, इसमें ये रोलर बैरिंग आता है। रोलर बैरिंग के अंदर रोलर है, ये हेड के अंदर जाके फंस गए हैं कई जगह। डस्ट वगैरह भी बहुत हो गया है, इसलिए मैं इसका हेड रिमूव करूँगा। अब यहाँ से इनलेट मैनिफोल्ड खोल लेंगे। 2 बोल्ट खोल लिए, 2 ऊपर आते हैं और 1 नीचे आता है। और इस साइड ये रेल खुलेगी,
ये इनलेट मैनिफोल्ड और ये इधर आउटलेट मैनिफोल्ड, दोनों खोल देंगे। ये यहाँ से आउटलेट मैनिफोल्ड खोल लिया है और इनलेट मैनिफोल्ड के भी जहाँ से बोल्ट खोलने थे वहाँ वहाँ से खोल लिए। ये ईजीआर सिस्टम के लिए नीचे पाइप आती है ये खोल ली, और ये यहाँ पर इंटरकूलर से पाइप आती है ये वाली भी खोल ली, और नीचे दो वाटर के लिए आती है वो भी खोल ली, और पीछे से जो सामान खोलना था पूरा खोल दिया। अब हेड के बोल्ट खोल के हेड को बाहर निकाल लेंगे अपन, ठीक है बहन। सो फ्रेंड्स, हमने बाहर निकाल लिया है इसका सिलेंडर हेड, देखिए इसके अंदर कितना कचरा है। अब इसकी सर्विस कराएंगे फ्रेंड्स, इसका आउटलेट मैनिफोल्ड यहाँ से खोल देंगे, और ये स्टैंड, ये वाटर कूलर के लिए, और ये इनलेट मैनिफोल्ड, और यहाँ पे वाटर एल्बो लगता है, इसके डस्ट वगैरह बहुत लग गया है इसलिए इसकी सर्विस कराएंगे अभी। उसके बाद है आगे नेक्स्ट स्टेप, देखिए आप ये कैसे फिटिंग होता है, गैस्केट कैसे रखते हैं और टाइमिंग कैसे मिलाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने क्लीन करा के हेड वापस से इसमें कस दिया है। ये यहाँ पे आउटलेट मैनिफोल्ड लगा दिया और ये इनलेट मैनिफोल्ड लगा दिया, रेल वगैरह सब। अब इसकी टाइमिंग बताता हूँ मैं आपको, इसमें टाइमिंग बेल्ट आती है केम की टाइमिंग के लिए। यहाँ पे देखिए दो मार्क आएंगे, आपको दिख रहे होंगे एकदम, ये केम की टाइमिंग है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको क्रैंक की टाइमिंग बताऊंगा। फ्लाई व्हील को लॉक करने के लिए ये क्रैंक सेंसर आता है, इसे खोलना पड़ता है। यहाँ पे क्रैंक सेंसर लगता है, इसके पास में एक स्लॉट है, स्लॉट ये देखिए यहाँ पे, स्लॉट में मैंने 5 mm की ये एलंकी डाल दी है, देखिए यहाँ पे ये लॉक होता है। ये इसकी टाइमिंग थी फ्रेंड्स, ये टाइमिंग बेल्ट यहाँ से पंप पे, इसके पंप की कोई टाइमिंग नहीं आती है, ऑटोमेटिक होती है। ये एग्जस्टर बैरिंग, वाटर पंप। मेरे वीडियो को देखते टाइम लाइक कर दिया करो फ्रेंड, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। अब इस पर टैपेट कवर वगैरह वगैरह सब लगाएंगे, इंजेक्टर सब, देखते जाइए आप आगे वीडियो को। ये टैपेट बॉक्स लग रहे हैं, ये 10 mm के बोल्ट आएंगे इसमें, सारे बोल्ट अच्छी तरह से टाइट कर दे इसके। अब यहाँ पे हमें इंजेक्टर डालेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, इंजेक्टर लगा दिया है, चारों इंजेक्टर, इंजेक्टर से ये रेल पे पाइप है ये भी लगा दिए, और ये इंजेक्टर कपलर ये भी डाल दिए, टाइमिंग कवर सारा ये कंप्लीट कर दिया हमने। अब हम इसे स्टार्ट करके देखेंगे। हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये था सुपर एस मिंट का वीडियो, इसमें मैंने आपको टाइमिंग बताई और हेड गैस्केट कैसे रिप्लेस करते हैं वो भी बताया। अब आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक के बटन को दबाओ और शेयर करना ना भूलो। थैंक यू फ्रेंड्स।